कोला नहीं चेरी मुझे फ्राटा कोला भाई उसमें कोका कोला आता है लेकिन मैं स्प्राइट भाटा इसलिए स्प्राइट कोला। अब ये बकवास मत करो मेरा माथा दुख रहा है मेरा। हाँ तो हेलो दोस्तों अभी साला वीडियो चालू करा उसके बाद ही सुसु लग गया मैं सुसु करके आता है अभी पेट खाली हुआ। हाँ तो हेलो दोस्त कैसा है आप लोग मेरा नाम हनी और आप देख लो HVM लाइव। हाँ तो दोस्तों वो क्या है ना मैं जब भी इंटर देता मेरे को सुसु लग जाता है ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है जो भी हो जाता है। आज तो हम सबसे पहले छगना के पास जाएंगे लगता है वो अभी खा रहा है फिर भी देखो एक बार मुँह टके दिया। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी को देख लें ठीक से ये भी खा रही है गायत्री ये भी खा रही है ये सब आज खाने में व्यस्त है तो हम भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको आज कुछ दिखाना है वो मैं थोड़ा सा वीडियो के एंड में दिखाऊंगा जो कि मैंने खुद से बनाया है ठीक है ओके। लगता है हमको यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा तो चलिए चढ़ते हैं। ओ भाई साहब यार ध्यान रखना पड़ता है अरे ठीक है हम अभी ऊपर चढ़ चुके हैं और पीछे से ठीक से आपको नहीं दिखेगा मैं ऐसा करके कि वहाँ पे कुछ लटक रहा है ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ अपने केले भाई की जो कि मुझे आज ही नज़र आया भाई ठीक आज ही मेरे को ये केला भाई नज़र आया मतलब कितने दिनों से आगे मेरे को आज ही नज़र आया। और अब ये केला भाई जब उस पुरानी चैनल में जैसा देर लगाया था ऐसी देर ना करे जल्दी से आ जाए जिसके लिए हम इंतज़ार करेंगे दूसरा क्या भी यार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब उतर जाते हैं। आज ये देख सकते हैं इसका आज सफाई हो चुका मतलब यहाँ पे आप देख आपने थोड़ी थोड़ी वीडियो में देखा होगा ये दिखता होगा यहाँ पे ऐसा खंडेरा पड़ा होता है वो आज काम के लिए यूज़ हो गया। ये जो लाइन है उनको हमने खेत में पत्थरा दिया है और ये साली अबे किधर गया अबे ए बंद हो ना बे साले क्या है साला इधर आ गया अबे टेलीपोर्ट मत यार रुक 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 चला गया देखो बेरा अबे साला भाग मत म्याम म्याम ये तो भाई करता रही गया है। और तो दोस्तों यहाँ से ही आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा हमने सफाई कर दिया। अबे बंद हो बे साला भूत नहीं है अबे अबे हमें ही नहीं देता साला कैसा मान मतलब कैसा प्राणियत ही नहीं है मतलब इंसान होता है तो प्राणी में भी प्राणियत होना चाहिए ना भाई क्या बात करता तुम। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा आवाज़ बदल लेती हैं इंसान में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है मतलब इंसान में इंसानियत है मतलब भूत भूत में भूटानियत है लेकिन प्राणी में प्राणियत ही नहीं है। आजकल के बंदर इंसानों की तरह वेफर कट्टा है केला खट्टा है क्या बात करता है बहुत अच्छा है। हाँ तो अभी हम क्या खा लेता है हम अभी फिर अंगन अमेरिका भाग चुके हैं हमारा यूरोप में बहुत सारी चीज़ें बिकती है जिसको मैं यहाँ पर नहीं ला पाया क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक रुपया है एक रुपये में वहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं आता वहाँ पर एक रुपये में कुछ भी नहीं आता आप लोग समझ सकते हैं इस गरीब बेचारे फिरंगिन की कहानी। मम्मी के पास जाएंगे और देखेंगे कि मम्मी क्या बना रही है। वैसे मेरे को आज ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि आज मैंने लापसी खाया है और फिर चाय और पाव भी खाया है इसलिए मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी के पास कि वो क्या कर रही है तो चलिए टेलीपोर्ट मारते हैं ठीक है। तो दोस्तों देखा ना मेरा टेलीपोर्ट ट्रिक अगर
मजा आया तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा। अभी हम मम्मी को देख लेते हैं कि वो क्या कर रही हैं। मम्मी तुम क्या कर रही हो? बोलो बोलो क्या कर रही हो? पोहे बना रही हूँ। अच्छा अभी देखो पापा भी आ गए। दोस्तों आज हम देखेंगे कि मम्मी कैसे बनाती है। ये डाला नमक स्वाद अनुसार, और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको कड़ी पत्ता। नीम, हाँ नीम, कड़ी पत्ता। नीम में की वो नहीं करवा वाला नीम। ये मीठा वाला नीम है, मीठा है, मीठा नीम। और ये लहसुन की अदरक, हाँ अदरक। ये डाली हमने, ये मिर्च और क्या कहते हैं, हाँ वो क्या, प्याज, प्याज। और अभी हम इसको करेंगे मिक्सिंग, जैसे बन जाएगा हमारा पेस्ट। और अभी हम डालेंगे फिर से नमक, फिर से नहीं पहली बार ही डाला, हाँ पहली बार नमक। और अभी हल्दी पाउडर डाल दो। कितना डालोगे? अभी हम इसको मिक्सिंग करेंगे। अभी उबला हुआ आलू है, अभी उबला हुआ आलू हमने इसमें डाल दिया है, जिससे कि बनेगा हमारा मसाला। तुमने पहले से तो दिखा ही नहीं, पहले मैंने ये तेल को गर्म किया, फिर इसमें मैंने राई और जीरे का, पहले हम बघार बोलते हैं, छौंक बोलते हैं, वो डाला, फिर हींग डाली, फिर कड़ी पत्ता। हींग डाला, हींग डाला भाई, फिर कड़ी पत्ता डाला। और तुमने पहले ही कड़ी पत्ता डाल दिया, वैसे तेल में कुछ नहीं, तुम्हारा ऐसा ही होता है। आधी अधूरी बातें सबको दिखाते हो, लोगों को लगता है तो ऐसे खाने खाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आधी आधी वस्तु तो डाल दी है, आधी नहीं आधी डाली है नीमा। हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, अभी ये नींबू में से बीज निकाल रही है, फिर नींबू कैसे इसमें नीचे उड़ेंगे, खत्म कर डालेंगे। फिर ये तो मैं मेरे साथ लड़ाई करना जरूरी होता है, हम इसको खा लेते हैं। जैसे मेरे को ये नहीं पता तो क्यों आया है, मतलब पाता लेकिन दुखा नहीं। ये नींबू डाल लेता हूँ फिर खाएगा, पीटूंगी तुम्हें। ऐसा कोई करता है भला अपनी मम्मी? करता 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 कौन करता, सब कुछ करता, कोई नहीं करता। तुम ऐसे ही पूरा दिन बकवास ही करते रहते हो। ऐसे में खाना पका रही हूँ, बहाना मत बना। और ये अभी डाली हमने मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि तुम्हारे पापा ज्यादा मिर्च नहीं। और ये है मसाला, गरम मसाला इडली या डोसा। बोलो तुझे, गरम मसाला इडली या डोसा तुझे खिलाऊं, भाजी भर के गरम समोसा इडली या डोसा। ये गाना तुम्हारा, तुम्हें ये डाला क्या है? ये इसको धनिया पाउडर, हाँ धनिया पाउडर। ऐसे बातें कर कर के हम पोहा बना डालेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यार ये गीत है, तुमने कभी सुना नहीं? मैंने सुना है। तुझे खिलाऊं भाजी भर के गरम मसाला इडली डोसा। ये जुड़वा ज्यादा टाइम देख लिया तूने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। चल हट। चलो ये हो गया है हमारा गुजराती पोहा। ये महाराष्ट्रीयन पोहा होता है, ये गुजराती पोहा है हमारा नीम। इसमें अभी हम सेव भी डाल सकते हैं, अगर डाला चाहे तो अच्छा लगे तो खा सकते हैं। इसमें और भी कुछ भी लगा देते हैं, खाना खा लेते हैं। अभी ये पोहा बन गया है तो अभी हम सबको खाना खा लेना चाहिए, क्यों नहीं? ये देखिए, अब मुझे क्यों दिखा रहे हो? हाँ तो मैं अपने आप को भी दिखा लेता हूँ, ठीक है मम्मी? अब तो दस तो मम्मी का अपने क्या काम में व्यस्त थी, लेकिन अब व्यस्त नहीं है, उसने अपना काम कर लिया है, पोहा बना लिया है। हाँ तो दोस्तों हमारा पोहा बन चुका है, और नहीं भैया हमसे रुट के चला गया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो कुछ कर रहा था और हो नहीं रहा था तो रुट के चला गया। ये हमारा नीव का रोज़ का है, लेकिन अभी मना भी लूँगी थोड़ी देर के बाद। अब खाना ना खा लेते हैं, सब लोग आ गए हैं तो शाम का खाना खा लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। अभी शाम के वक्त हमारे नीव भैया का थोड़ा बहुत होमवर्क हो रहा है, और ये देखिए मुँह भी बिगड़ रहा है। नीव बोला
मुंह क्यों बिगड़ रहा है तुम्हारा बेटा? बोल तू क्या कर रहा है मैथ्स में, मुझे बता दे। मेरा टका फोड़ रहा है। टका मत फोड़ो। टका फोड़ने से क्या होगा तुम्हारा, मुझे बता दो। बोलो, साइलेंट क्यों हो? ये देखिए अभी ये फंसा हुआ है, इसलिए बोल भी नहीं रहा, क्योंकि कुछ आधा अधूरा रह गया है, या तो कुछ कुछ सीखना है। क्या सीखना क्या है तुझे? काट कौन त्रिकोण, ये नहीं आता तुझे? लिया है, देखिए ये काट कौन त्रिकोण का माप हो रहा है, और जो नहीं उसे बन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अच्छी तरह से कभी पढ़ाई होगी तो हो जाएगा। वैसे पढ़ाई में तो हमारे नीव भैया बहुत अच्छे हैं, वैसे अच्छे नहीं ज़्यादा अच्छे, इसीलिए तो अकेले अकेले अपना होमवर्क भी कर लेते हैं, सब कुछ हैंडल हो जाता है, किसी को बताते नहीं हैं। वैसे मैं बता दूं कि नीव हमेशा अपना होमवर्क अकेले ही कर लेता है, वैसे मैं मजाक कर रही थी, नहीं आता है, उसे आता है। वो कल उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है कि कैसे परफेक्ट मार्क के साथ ये किया जाए, ये सब हो रहा है नीव भैया का, तो सही से हो रहा है पढ़ाई और ये सब कुछ। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि बच्चे का मन चलो पढ़ाई में है, वरना बच्चों का मन अगर मोबाइल टीवी हाथ में आ जाए तो पढ़ाई में कम रहता है, लेकिन हमारे नीव भैया का तो ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाई में मन रहता है, तो मुझे बहुत प्राउड फील है। वैसे हर माँ को होता ही है, लेकिन मुझे कुछ और ही है। तो वैसे नीव भैया सुन रहे हैं अपनी तारीफें, तो तारीफ के जो फूल है वो माथे पे ना चढ़ जाए, वो ध्यान रखना नीव भैया। क्या है ना कि बच्चों को कुछ ज़्यादा तारीफ हो जाए तो भी परेशानी, उसे डांट दो तो भी परेशानी, तो ऐसा ना हो, इस बात की हमें तकदारी रखनी है।